उठाता हूँ, बोलो शाबाश, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छुएगा आपको, पवित्र आत्मा छू रहे हैं वो, हर एक जन से बातें कर रहे हो। यीशु के चरणों में अपने हाथों को उठाते हुए कहो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, आज परमेश्वर की हवा आएगी, सिर्फ वो आपको छुएगी, पवित्र आत्मा की हवा छुएगी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए झुका कर तेरे लिए, वो आपके दर्द को जानता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है। जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर के सामने, टूट रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आज कुछ होने वाला है, आज चमत्कार होने वाला है। टुडे इज माई डे, बोलो आज टुडे इज माई डे, मैं तो आज छूंगा, आज मेरा आत्मा मुझे छुएगा, मेरे प्रभु का आत्मा मुझे छुएगा, उन लोगों को छुएगा जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर के सामने। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, आपके बिजनेस को छूना चाहता है वो, आपके परिवार को छूना चाहता है वो, आपकी सूखी हड्डियों को छूना चाहता है वो, जिस हिस्से में आप बीमार हैं उसे छुएगा वो आज यीशु मसीह के नाम में, आज छुएगा वो। आप जिस हिस्से में बीमार हैं वो छू रहे हैं, बोलो आज छुए पवित्र आत्मा मुझे, आज अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर तू मुझे छू ले आज, आज छू ले आज, अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे साथ, कहो परमेश्वर मेरे घराने को छू ले आज, ऊंची बात में कहो मेरे घराने को छू ले परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरे जीवन में आ जा पवित्र आत्मा, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी हड्डियों को, मेरी नसों को, मेरी मांसपेशियों को छू ले आज यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा मुझे छू ले, आज बहने दो पवित्र आत्मा की हवा को अपने अंदर, बहने दो आज, अपने हाथों को हिलाते हुए बहने दो आज, आज आत्मा आपके ऊपर आना चाहता है, आज पवित्र आत्मा जब आएगा, मैं कह रहा हूँ कि आज आपकी सिचुएशन बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा, मैं कह रहा हूँ कि आज हालात बद से जो बदतर हैं आज बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी हर एक बैड सिचुएशन का इलाज होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज कहने दो, आज खुल जाओ, अपने मुंह को खोलो, दाएं बाएं मत देखो, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कुछ कहना चाहती है, आज उसको पुकारो, आज पुकारो उस आत्मा को, आज पुकारो यीशु तेरे लिए जीना चाहता हूँ, आज कहो यीशु डैडी मैं तुझे पुकारना चाहता हूँ, डैडी मैं किसी कंपनी भाग में नहीं आया हूँ, डैडी मैं तेरे दरबार में आया हूँ। आज अगर आप बीमार हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आज आप कर्ज में हैं, आज कोई ना कोई आजाद होगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां बाहर निकल रही है, मैं कह रहा हूँ बीमारियां बाहर निकल रही है, सुसाइड करने वाला मन आज हल्का हो रहा है, आज गंदे विचार बाहर जा रहे हैं, आपके शरीर आपके हल्के, आपके कंधे भारी बनते, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। आज कह दो, आज पवित्र आत्मा से अपने मन को हल्का कर दो आज, कि सिर्फ यीशु मैं तेरे लिए, मैं किसी और के लिए नहीं हाथ उठाना चाहता, मैं किसी और के लिए नहीं जीना चाहता, मैं आज पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में नहीं, परमेश्वर तुझे ढूंढने के लिए आया हूँ, आज तेरे दरबार में आया हूँ। आज परमेश्वर अब तक जो मैंने गलतियां की है मुझे क्षमा कर, मैं जानता हूँ तू मेरे अंदर आना चाहता है, तो मैं क्षमा मांगूंगा, तू मेरे अंदर आएगा। आज कहो हर एक जन, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, आप मुझे छुए, आप मुझे अंदर से छुए, मैं आज टूट जाऊंगा परमेश्वर, मुझे संभाल ले आज परमेश्वर। आज कहो आत्मा से कि प्रभु अगर तू मुझे नहीं संभालेगा मैं टूट जाऊंगा। आज आत्मा कह रहा है दाऊद टूट रहा था, परमेश्वर ने कहा और दाऊद को कहा, दाऊद मैंने देखा तेरे घराने को, मैंने देखा तेरे समर्पण को, मैंने देखा तेरे टूटे हुए हृदय को, मैं तो ऐसा बलिदान चाहता हूँ आज, आज मेरा परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चाहता है। अगर आज आप टूट गए हैं, अगर आज आप टूट रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ जोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
आपके घराने को टूटने से बचाएगा वो आज यीशु मसीह के नाम में, आपके रिलेशन को खराब होने से बचाएगा वो, आपके बिजनेस को टूटने से बचाएगा वो, आपके हर काम को संभालेगा वो। आप बस हाथ उठाकर इस समय टूट जाए परमेश्वर के सामने और अपने पापों से पश्चाताप कर ले, अंगीकार कर ले और कहें परमेश्वर मैं जानता हूं कि सच में पवित्र आत्मा जब मूसा टूटा हुआ था परेशान था मेरे पिता उस समय उसने टूटते हुए हाथ उठाया और तूने उसके आंसुओं को देखा परमेश्वर। तू आज मेरी बहनों के इन माँ बाप के इन भाई बहनों के इस कलीसिया के आंसुओं को देख रहे परमेश्वर। जो लोग आज इस समय तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर, जो लोग आज टूट रहे हैं, आत्मा आपसे बातें करता है मैं देखता हूँ किसी का पति किसी के बच्चे बुरी संगति में है नशे में है, आत्मा कहता है मैं उन्हें आजाद करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ राजा रबासना यवरे रे रे रे। आत्मा कहता है तेरा पति रिलेशन तेरे साथ नहीं बनाता है, अरे मत डर निराश मत हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है किसी और के साथ तुझे शक है, आज अपने हाथों को उठा, तू घर जाएगी अपने पति को सुधरा हुआ देखेगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है आपसे, आत्मा कहता है मैं तुझे देखता हूँ मेरी बेटी, बड़े दिन से तू निराश है, तेरे पास बच्चा नहीं है, तू मुझे ढूंढने के लिए उड़ीसा से आई है। आत्मा कहता है मैं तुझे छू रहा हूं, परमेश्वर तुझे बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। आत्मा आपके आंसुओं को देख रहा है और इस समय जो लोग आपके सामने आपकी बुराई कर रहे हैं आत्मा कहता है मत डर, करे तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथों को उठाओ और इस समय फिर से गाओ, फिर से गाओ, आत्मा छू रहा है, कहो परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ, इस संसार ने मुझे छोड़ दिया है, इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। आज से अपने हाथ को उठाओ, आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर, ऐसी आत्माओं को बुला रहा है वो। पवित्र आत्मा विश्वास से कहें, जोर से गाएं, अपने मुंह को खोले, सब गाएं मुझे ले जाओ ऊंची आवाज में, चरणों में फास्ट ऊंची आवाज में, शाबाश जोर से गाए शाबाश, मुझे तेरे लिए अपने हाथों को उठाते हुए डैडी आज मैं रुकना नहीं चाहता, मेरे आंसू तेरे लिए मेरे लोगों के लिए है परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले परमेश्वर, दाएं बाएं महसूस मत करो, आत्मा आपके अंदर है, टूट जा आवाज आसमान के खुदा के सामने, तेरे आत्मा कहता है मैं देखता हूं बेटी तूने तीन बार ट्राई किया लेकिन तीन बार तू रिफ्यूजल लेकर आ गई, आत्मा तेरे आंसुओं को देख रहा है, वो कह रहा है बेटी मैं इस बार तुझे जिस देश पर हाथ लगाएगी तुझे वीजा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनें यहाँ पर परेशान हैं, कुछ भाई लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये आंसू मेरे आंसू तुम्हारे लिए बहाए जा रहे हैं और आत्मा कहता है इन सब का मैं हिसाब रखूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं उन सब का हिसाब मेरा परमेश्वर लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, और आपकी गोद में आपका प्रतिफल आने वाला है, आपके परिश्रम का फल आने वाला है। आत्मा कहता है हे मेरी बेटी आंसू बहाने से रुक जा, तेरी आत्मा का जो तूने आत्मा में होकर मुझे याद किया है, तूने परिश्रम किया है मेहनत किया है, उन आदमियों से कहता है उन जवानों से कहता है तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। फिर से उठाओ और कहो परमेश्वर मैं टूटा हुआ तेरे पास आया हूं, इस समय मुझे तू छू ले परमेश्वर, आपकी हड्डियों को छूना चाहता है वो फिर से जवान करना चाहता है, वो आपके नसों को छुएगा, आप बोलो आज छुएगा, बोलो छू ले पवित्र आत्मा, मेरे घराने को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरी सेफकाई को छू ले, छू ले आज ये
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हरे घुटना टेकेगा यीशु मसीह के नाम में, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि वो आपके कहने से छू रहा है आज यीशु मसीह के नाम में, छू रहे वो आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं देख रहा हूँ, किसी समय पवित्र आत्मा कहता है मैं देख रहा हूँ बीमारियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में, आप में से बीमारियां निकल रही हैं, आपका बोझ हल्का हो रहा है, आपके कंधे से वो भारीपन चला गया यीशु मसीह के नाम में। आप जो बोझ उठा रहे थे अभी 5 मिनट के बाद कर स्वर्गदूत आपका बोझ उठाते हुए बाहर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तो आज अपने लोगों को शांति दे इस गीत से यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। फिर से कहो हाथ उठाओ और बोलो कि प्रभु तूने मुझे छुआ है और तूने मुझे आज बड़ी शांति दी है यीशु मसीह के नाम में, तूने मेरे दुखों को ले लिया है, मेरी चिंताओं का तूने हल कर दिया। आज आज मैं मीटिंग में आता, मेरी चिंताएं मेरे दुख वहीं के वहीं रहते, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह से अंगीकार करो और कहो परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे इस मीटिंग में बुलाया। परमेश्वर मैं आ नहीं रहा था परमेश्वर, लेकिन तू मुझे लेकर आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता निराश था मैं, लेकिन तूने मुझे छू लिया है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज से तुम्हारी मुसीबतों का, तुम्हारी लानतों का, तुम्हारी टेंशनों का जवाब यीशु मसीह देगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, यीशु मसीह जवाब देगा एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने हाथों को उठाओ और चोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम की है। सब बैठ जाए अपनी जगह पर। लड्डू भी खाता सी, पेड़ा भी खाता सी, 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 खाके बिखिया हर एक फली अमीए, फली अमीए, ताजपुरी के दिन च रच लगी दी होंगी तुदी हर गल सची अमीए, ताजपुरी के दिन च रच लगदी होंगी ताजपुरी के दिन चरच लगदी होंगी, ये सुनी दी हरे गल सची अमी, ताजपुरी के दिन चरच लगदी होंगी। हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश, अपने सिर पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस समय परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं, मेरे प्रभु इनकी लाइफ में आज मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आमीन बोल रहे हैं मिराकल को देख रहे हैं वो, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मेरा मिराकल देखेगी तू। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे, शाबाश। गवाही का समय।
प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई बता रहे हैं इनकी शादी को 21 साल हो चुके हैं और इनके पास कोई बेबी नहीं है। एक बार कंसीव किया लेकिन वो भी ट्यूब में रह गया था और ट्यूब इनकी निकालनी पड़ी थी, और ये भाई बता रहे हैं कि दोबारा कंसीव नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था और अब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया। ये भाई बता रहे हैं इनकी वाइफ ने कंसीव किया लेकिन डॉक्टर्स ने फिर प्रॉब्लम बता दी, बच्चे की जो धड़कन थी वो बंद हो चुकी थी लेकिन इन्होंने आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और इनकी वाइफ 3 महीने से प्रेग्नेंट है। मैरिज 2000 च हुई सी, उस तो मेरी वाइफ प्रैगनेंट हो जाती सी पर तीजे महीने आके मिसक्रैस हो जाता सीगा। फिर लास्ट प्रैगनेंसी 2013 दे विच हुई जिहड़ी कि ट्यूब दे विच ही रह गई। उस तो वाइफ नूं बहुत ज़्यादा पेन हुई तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पवेगा, फिर असी ऑपरेशन करवाता तो ट्यूब कढ़ दित्ती गई, एक ही ट्यूब रह गई। फिर डॉक्टर कहिंदे भी हुण बहुत घट चांस आ प्रैगनेंसी हो नहीं सकती। 2013 तो बाद साढ़े कोई प्रैगनेंसी हो ही नहीं गई। असी बहुत धक्के खाधे, बड़े मंदर मत्थे टेके, बहुत कुछ किया, फल भी पाए पर नहीं पल्ले कुछ नहीं पिया गा। फिर रिश्तेदार कहन लग गए कि भी हुण की करांगे, भी उम्र लंघती जाती है, कोई होर ना आए। फिर असी एक बेटी अडोप्ट कर ली सी। चलो असी मैं 2000 अपने 2 जनवरी नूं इत्थे फस्ट टाइम आया सीगा, ते असी अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लिया, ते बाकी बापा जी ने जो भी कहंदे सीगे इन्हां दे बचन नूं आपां मानदे रहे आ, ते असी उह यूज कीता। ते हुण मेरी वाइफ प्रैगनेंट हो चुके, 3 महीना लग चुके आ वा, ते मैं पापा जी नूं ते प्रभु दी महिमा करदा वां, बहुत बहुत धन्नवाद करदा वां जी। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? लुधियाने से आए भाई। लुधियाने से आए, कितने साल से बच्चा नहीं था? 21 साल था भाई। 21 ईयर, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो 21 साल में भी ऐसा होता है, 21 साल में होता है, लेकिन वो 21 साल हो गए इसको शादी को, 21 ईयर। लोग 2 साल बाद 5 साल बाद उम्मीद छोड़ देते हैं लेकिन ये परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बता रहा है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया जब उसको ट्यूब ही ना हो बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। कर सकते कि नहीं, कर सकते कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे भी मानना पड़ा। एक लेडीज ने बताया कि बच्चेदानी निकाल दी गई और वो परेशान थी, 12 साल से नेपाल से आई और मीटिंग अटेंड करके चलेगी और उसको बच्चा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मानने वाली बात नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं असंभव को संभव करता है परमेश्वर। आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर के पास सब कुछ है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो, स्तुति की भेंट चढ़ाओ। शाबाश। नेक्स्ट 13 तरीक नूं रहा सी, मैं आया सी मीटिंग अटेंड की थी सी, ते रात नूं वाइफ दे बहुत ज़्यादा पेन उठ खड़ी, ते इन्नी ज़्यादा पेन हुई कि सानू एमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पिया। तो एकदम ठंडी हो गई ते पीली हो गई, ते उत्थे डॉक्टर जाके ये गल कहंदे सी कि इहनूं जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होया होया वा। तो उन्होंने स्कैन की, तो स्कैन करके उस बाद कहंदे कि बच्चे की धड़कन है नहीं गी। तो वो स्कैन तो बाद दूजे दिन फिर उन्हें स्कैन की, स्कैन करके आ दिखाया, मैं लैके आया मोबाइल के फोटो हैगी है, तो वह कहें कि हुण इहदा वॉशन करना पेगा, कुछ नहीं होगा। मेरी वाइफ नूं डॉक्टर ने बिल्कुल सीधा ही कहता तुहाडे कुछ नहीं हैगा, वॉशन करवा लो, कल सुबह आ जाओ आपां वॉशन कर दिंदे आ। सानू कोई टेंशन नहीं हुई, कुछ नहीं होया, असी प्रभु दा नाम लिया ते असी बाहर आ गए। तो असी परसों फिर असी प्रैगनेंसी टेस्ट की, बिल्कुल ठीक हो गई है। हुण भाई वाइफ बिल्कुल ठीक है, वधिया भुख लगदा, सब कुछ कर रहा। सारे बोले हालेलुया। रिपोर्ट के साथ आए और ये परमेश्वर है, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 साल 20 साल 25 साल जिसके पास बेटा नहीं है, स्क्रीन की तरफ देखो, हाथ बढ़ाओ और आ जाना मेरे चर्च में, आपको बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। आज पूरी के दिन चरच लगी दी होती, पापा जी दी हरी गल सती अम्मी है, दादपुरी के दिन चरच लगी। हालेलुया,
प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बहन बता रहे इनकी शादी को 11 साल हो चुके थे पर इनके पास कोई बेबी बॉय नहीं था, दो बेटियां थी पर ये बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहते थे। ये बहन बता रहे जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब यूज किया और प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रहे कि 11 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। महिमा 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 महिमा, बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ, बोलो तेरी भी हवा बदलने वाली है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के घर में जब समस्या हो जाती है, आज कितने लोग महंगाई को देखकर उनकी हवा बदल गई। आज महंगाई को देखकर हवा बदल गई कि नहीं है सर? बोले हालेलुया। हवा बदली नहीं हुई, हवा निकली हुई है। महंगाई को देखकर हवा निकली हुई है लोगों की, आज निकली हुई कि नहीं? लेकिन याद रखो पवित्र आत्मा की हवा आने वाली है। हालेलुया, आपके लिए आशीषें फिर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, देखो कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? हम पठानकोट। पापा जी के जय मसीह की, सारी कलेसिया के जय मसीह की। मैं सारी कलेसिया को मत कर, मेरे को कर बस। चलेगा। मेरा पास बेटा नहीं था पापा। कितने जी साल से बेटा नहीं था आपके पास? 11 साल से इसके पास बेटा नहीं था। दो कुड़ी थी जी। हाँ, तीसरी कुड़ी हो जाती तो टेंशन हो जाती तेरे को, है ना? हाँ जी। किसने बताया तेरे को फिर दो कुड़ी के बाद? हमारे ऊपर देख रही थी बिहार से, पापा जी बोल रहे थे ना कि जिसका बेटा नहीं है वो आ जाना हमारा चर्च में, बेटा मिलने के लिए जा रहा है। हमारे चर्च में आ जाना। हाँ जी। और फिर ये आ गए? हाँ जी। और यहाँ के क्या मिला आपको? मेरा बेटा मिल गया। हालेलुया। सुनो, अभी मैं एक बार ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा आ जाना मेरे चर्च में, एक वीडियो बना के बोल रहा, कहता है आ जाना मेरे चर्च में, क्या होगा तेरे चर्च में? क्या तेरे चर्च में यीशु मसीह रहता है क्या? मैंने कहा हाँ। सारे बोले हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं उनके चर्च में यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। विश्वास करो, देखो आपके सामने है कि ये परमेश्वर है। और ये कह रही कि हमने सुना कि प्रॉफिट जी कहते आ जाना मेरे चर्च में। कुछ लोग सोच रहे हैं कि लो जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अभी इसी समय आपको बेटा हो जाएगा। ऑनलाइन में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे, बेड पे बैठे, एक सोच रहे यहाँ पर बच्चा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जय जय यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के यीशु गावा। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरे पड़ोस में भी 11 साल बाद बेटा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। पापा इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 12 साल से ये फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन बार बार रिफ्यूजल आ रही थी। जब ये चर्च में आए इन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड करवाई और प्रोफेसी को रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं 12 साल के बाद ये भाई यूएस के वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने इस आदमी को देखा था? ध्यान से दिखाओ इसको, इस औरत आदमी को देखा था कि नहीं? नहीं देखा होगा। मैं आपको याद कराता हूं, ये आदमी को मैंने उधर से बुलाया था और इधर खड़ा, इसकी पत्नी इधर थी, ठीक है? नहीं। और जब मैं इसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था तो ये आदमी ऐसे मायूसी की तरह खड़ा था ऐसे। इसकी पत्नी जोश दिखा रही थी लेकिन आदमी को लग रहा था पता नहीं किधर आ गया मैं। नहीं, आपके सामने ही थोड़े दिन पहले, महीना दो महीने पहले भविष्यवाणी किया था कि नहीं कि तेरी बहुत बार रिफ्यूजल आ गई है लेकिन इस बार तेरी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और अभी देख रहे हैं आप, कहा था यूएसए का वीजा आएगा और ये भाई अभी आपके सामने खड़ा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, यूएसए के वीजे के साथ आया यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो पादरी में कुछ है। और क्या कहूं, यही कहना पड़ेगा। हाँ हाँ, सुनेंगे, शाबाश, गवाही सुनेंगे, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ जी सुनेंगे। हाँ, जय मसीह की। सारे अनु जय मसीह की, जोर से बोलो जय मसीह की। असी 2 फरवरी नूं इत्थे आए सीगे ते 2 फरवरी नूं असी प्रिक कराई सी इत्थे आण के ते मुड़ के 18 फरवरी नूं साडा जिहड़े कागज़ पत्तर बाहरों आए सीगे
ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਆ ਥਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਬ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੋ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਔਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕਾ ਯੂਕੇ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਸੇ ਬਧਾਈ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਧਾਈਓ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ देखो ये पवित्र आत्मा है परमेश्वर सुनता है आप देखो हमारी बहन कितनी खुश है नहीं परमेश्वर ने आशीष दे दिया इसको यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाऊं और जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में जाए जाए शाबाश जोर से जोर से जोर से यीशु गावा हम भी तेरी मैं गावा नची नची के बोलो यीशु मसीह की ऐसे नहीं आज बोलो मौजा ही मौजा आज मौजा लग जाएंगी जो मूड बना के बैठा है उसकी मौजा लगने वाली है आज यीशु मसीह के नाम मौजा 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 एक गवाही आएगी मौजा लगेगी चार चार आपकी बोलो यीशु मसीह की मैं कह रहा हूँ जो मूड बना के नहीं आए ना उनके लिए मौजा नहीं लगने वाली कुछ लोग यही मूड बना के आए हैं पता नहीं साडा नंबर आएगा कि नहीं मैं कह रहा तुम्हारी गवाही आएगी कि नहीं आप मूड बना के आओ टुडे इज माय डे अपने पड़ोसी को बोला आज तुम्हारा नहीं साडा दिन है सारे बोले हालेलुया मैं कह रहा हूं कि किसी और की शादी नहीं होगी आपके बच्चों की शादी होगी यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं किसी और की गवाही नहीं बनेगी आज आपकी गवाही बनेगी जो हाथ उठा के बोल रहे हैं अपने पड़ोसी को बोला टुडे इज माय डे एक बहन कह रही इसका मतलब क्या है मैंने इंग्लिश सीख के आया हूँ हिंदी मुझे भी नहीं आती सारे बोला हालेलुया अपने हाथों को उठाओ बोलो आज का दिन मेरा दिन है आज करा आशीषों का दिन है मेरे लिए आशीषों का दिन है आज मेरे लिए गवाही का दिन है हालेलुया आज बरकतों का दिन है बोलो आज चंगाई की शाम है चार चामीन बोलने वालों के लिए नेक्स्ट हालेलुया प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है ये भाई बता रहे हैं इनकी शादी को 5 साल हो गए थे इनके पास कोई भी बेबी बॉय नहीं था और ये बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहते थे ये भाई बता रहे जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लेके गए और जब यूज किया और प्रोफेसी को रिसीव किया 5 साल के बाद ये भाई बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुका है हालेलुया ताजपुरी के दिन चरच लग दी होती यीशु जी दी हरी गल सच्ची अम्मी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनेंगे शाबाश कहाँ से आए बताओ शाबाश पापा जी जय मसीह दी पापा जी नो जय मसीह दी पापा जी जय मसीह दी जय मसीह दी जय मसीह दी क्रिश्चियन जय मसीह दी हरि ते पापा जी ने लैपे कितनी सी आंटी ला लियांदा लाया सी अच्छा नहीं मेरी बात सुनो ध्यान से बेटे कहां से आए आप बताओ कहां से आए पापा जी जयन सिद्धि कहां से आए फाजिलका आगरा से फाजिलका जिला फाजिलका से आया ऊपर कर आ रहे फाजिलका वाले तो बहुत तेज होते हैं यार तो नाक कटवारा ऊपर कर फाजिलका से आया क्या प्रॉब्लम थी कब से इनका बच्चा पापा जी बोला 5 साल से बच्चा 5 साल से बच्चा नहीं था कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था यहाँ से माइक कर बेटे ऊपर हाँ बोलो बड़े परेशान होया गुड़िया बच्ची तो 5 साल बाद बच्चा लाया था वॉन्टी ऑयल लगाया था अनॉइंटिंग ऑयल लगाया इसने और कह रहे के 5 साल से बच्चा नहीं था परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया आज बच्चे के साथ आया तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में क्या मिला बेटा की बेटी बेटा बेटा बेटियां मिलती नहीं हमारे चर्च में अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में हाँ बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो लोग चाहते हैं कि हम उधर खड़ा हो सामने जो जो लोग अपने बीमारों के लिए दुआ कराना चाहते हैं मैं उनको बोल रहा हूं कि आप लोग
जो लोग बीमारों के लिए दुआ कराना चाहते हैं वो ध्यान से सुने, आप ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। देखो जो लोग कोमा में हॉस्पिटल में पथरी है, रसोली है, पाइप लगे हुए हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा, लाइट आ रही है, मुझे ही नहीं दिख रहा, चेंज कर इसको, लाइट इधर घुमा, इसको इधर घुमा, इसको टेबल के टेबल घुमा, मेरी तरफ घुमा, उठा के आराम से प्रार्थना कर रहा हूं मैं, घुमाता रहे बस। हाँ हाँ, उन लोगों के लिए बेटे अपने सिर पर हाथ रखो, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने सिर पे हाथ रखो, जो लोग आवाज सुन रहे हैं हाँ अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी ये बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय कोमा में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, पैरालाइज जाए यीशु मसीह के नाम से, कैंसर के शराब टूट जाएं, पथरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, विकास साहू शर्मा सुमन देवी संदीप कौर तरुणा साहू कुणाल टेकचंद कश्यप अजय कुमार, तुम्हारी फैमिलियों में आज चंगाई के करने वाले स्वर्गदूत भेजता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इसी समय चंगाई देने वाले स्वर्गदूत इसी समय स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय इनके हाथों को पकड़े, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हड्डियां नसें मांसपेशियां आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इसी समय प्रभु एक नई टेस्टिमनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, गवाही के साथ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ जोर से गाओ शाबाश। यहोवा तेरा नाम अब तो हालेलुया। पापा बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है इनकी बेटी पिछले 2 सालों से कनाडा जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी, बहुत रुकावटें आ रही थी, लेकिन इस बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया, 3 दिन तक बीज बोया, ये बहन बता रही है कनाडा के वीजे के साथ इनकी बेटी ब्लेस हो चुकी है। गालो तेरा नाम सब तो हलाए यीशु मसीह की। देखो आपके सामने अगर 3 दिन लगातार बीज बोया, मिराकल हुआ कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलोगे तू भी बोके देख, मिराकल होगा तेरे साथ, परमेश्वर का आत्मा छुए आपको बरकत दे। देखो कनाडा का वीजा आया कि नहीं? हाँ हाँ सुनेंगे, शाबाश गवाही को। मेरे बोलो पापा जी नो जयमसी दी ते सारी कलीसिया नो जयमसी, माइक से बोलता हूं, पापा जी नो जयमसी दी सारी कलीसिया नो जयमसी दी। मेरी गवाही ये है असी पहली बार शोभा यात्रा ते आए सी ते पापा जी इत्थों 90 क्वार्टर ते ऑयल लेके गए, असी जूझ किया ते मेरी बेटी नो कनाडा दा वीजा मिल गया ते ओ जा चुकी आ। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। देखो ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। जिनको कनाडा का वीजा चाहिए, कितनों को चाहिए हाथ तक उठाओ, किसको यूएसए का वीजा चाहिए, सारे चर्च को जोर से बोलो। ऐसे ऊपर देखो, ऊपर शेर अपना शिकार खुद पकड़ता है, पकड़ता है कि नहीं? जो भैंस होती है ना वो अपना शिकार खुद नहीं पकड़ती, वो कहते हैं बस मालिक आएगा चारा डालेगा और खाऊंगी। कुछ लोग ऐसे हैं चर्च में, वो कहते हैं पादरी आएगा और चारा डालेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया। शेर अपना शिकार करना जानता है, इसलिए बाइबल आपको शेर नहीं बब्बर शेर बोलती है। हालेलुया। आप कौन है? अपने पड़ोसी को बोला बब्बर शेर नहीं हूं मैं। वो तो आदमियों को पता ही है तुम घर में शेर नहीं हो, लेकिन चर्च में बैठकर हाथ उठाकर दहाड़ मारो, बोलो आ साडा भी वीजा आ गया। जब आप ऐसे बोलते हैं आ मैं भी चंगा हो गया हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं आपके बोलने के बाद एक गवाही आपके टेबल पर इंतजार करेगी चर्च। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं आ पादरी जल्दी आ जा, हाथ रख दे सिर से, भैंस है वो। मैं कह रहा हूं कि आपको पशुओं की तरह नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैंने जानवरों को नहीं, कह रहा इंसानों को सोचने समझने की शक्ति दी है और बोलने की शक्ति दी है, दिए कि नहीं? आपके अंदर वो शक्ति है, आप जब बोलते हैं परमेश्वर आपकी सुनता है यीशु मसीह के नाम में। आपका बोलना जरूरी है चर्च में आना। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश।
यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। हालेलुया। पापा इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, इनके पास कोई बच्चा नहीं था। जब ये डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जब ये चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। 3 साल के बाद ये बहन बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। मजा 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 लगी गई आने, मजा लगी गई आने, मौजा लगी गई आने, ओ मौजा लगी गई आने। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो मौजा लग गई आने, तुम्हारे वास्ते मौजा लग गई आने। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से तारीफ करो। जोर से चौचा जे सुना में। हाँ हाँ, देखो आपके सामने है। कहाँ से आई बहन? गुरुवार से। हाँ बताओ। शाबाश। सारे नु जानसी दी, पापा जी नु जानसी दी। मेरा नाम आरजू है, मैं गुरुवर साहिब दी रहने वाली हां। 3 साल हो गए सी मेरे ब्याह नु, मेरे को कोई बेबी नहीं हैगा सी। मैं एनॉइंटी ऑयल और वाटर यूज किया, मेरे पास बेबी हुआ। तारीफ करो जोर से। देखो ये परमेश्वर है, ये बहन बता रही है कि इसके पास कोई बच्चा नहीं था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, आज बेटे के साथ आई है। फाजिलका से आई, उसने भी कहा 5 साल से बच्चा नहीं था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, बच्चे के साथ है। लुधियाने से आया, सरदार जी ने कहा 21 साल से बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो लोग पीछे से ले रहे हैं, प्रार्थनाएं की हुई है उसके अंदर, मैं कह रहा हूँ जब आप लगाते हैं मिराइकल होगा। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर का आत्मा छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से, जोर से। नमा विचो चज सुना में, नमा विचो चज सुना। हां जी हां जी हां जी। प्रोफेट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है पिछले 4 सालों से ये बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन इनको मिल नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये बहन ने आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, 3 दिन तक बीज बोया। ये बहन बता रही है 4 साल बाद गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल चुकी है। मजा 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 लगी गई आने, सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह को जय मसीह की। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पापा जी मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही थी, मेरी पहली शादी भी टूट चुकी थी, गवर्नमेंट जॉब लगने के पास मेरी सेकंड मैरिज भी हुई, मेरी बरकतें बढ़ती चली गईं और आशीष मेरी बढ़ती चली गईं। पापा जी मैं परमेश्वर का और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे को नया जीवन मिल गया, मेरा जीवन बदल गया परमेश्वर के नाम से, आमीन। जोर से तारीफ करो सारे बड़े। हालेलुया। हाँ, कहाँ से आए सिस्टर? कहाँ से आए? धौलपुर राजस्थान से। राजस्थान से आई है? कहाँ से आई है? पापा जी की ससुराल से। हालेलुया। ये देखो ये मेरी ससुराल से आई है बहन, तभी तो तेरी नौकरी लगवाई है मैंने। धन्यवाद सारे बड़े। हालेलुया। मेरी ससुराल में सारे ही ऐसे हैं सारे बोले हालेलुया। देखो ये बता रही है इसको कॉइन मिला, और कॉइन मिलने के बाद ये बहन बता रही है कि इसको प्रोफेसी को रिसीव किया और आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आई है। ऑनलाइन देखने पे, ऑनलाइन देखने की गवाही देने वाले, यहाँ पहली बार आई हूँ मैं, यहाँ फर्स्ट टाइम आई है राजस्थान से, और बता रही है कि इसने ऑनलाइन रिसीव किया और काफी समय से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? एक है मेरा। एक बच्चा है? हाँ एक बच्चा है मेरा। मैंने सुना शादी के बाद तो गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 36। 36 अमेजिंग। तारीफ करो जोर से बोलो हालेलुया। आप देख रहे हो 36 साल की उम्र में, कुछ लोग 28 साल में हिम्मत हार जाते हैं मेरी नौकरी लगेगी, लेकिन आपके सामने है कि 36 ईयर की होगी है और आज गवर्नमेंट जॉब की नौकरी लगी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। मैंने क्या कहा था, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी वो कैंटीन से आइसक्रीम खिलाएगा आज सबको,
लेकिन कोई नहीं, ये मेरी ससुराल से आई इसलिए इसकी गलती माफ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च, जोर से जोर। मजा लगी गई आने, हो मजा लगी गई आने, हो मजा लगी गई। हालेलुया, प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि पिछले एक साल से इनकी यूट्रस में रसौली थी, जिससे बहन बहुत परेशान थे। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ये बहन बता रही है जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब लेके गए और यूज किया, ये बहन बता रहे हैं वो जो एक साल की इनके यूट्रस में रसौली थी वो दुआ बन के उड़ चुकी है। हालेलुया जीसस, बोलो यीशु मसीह की। देखो रसौलियां गिल्टियां उड़ती हैं, जो लोग यीशु मसीह परमेश्वर को देती हूं। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद सारी कलीसियों को। थैंक यू। आगे साल भर से हमारे बेजदानी में गांठ था, साल भर से मेरे बेजदानी में गांठ था। मैं डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि ऑपरेशन होगा, तो मैं दवा नहीं लिए थे। मैं मोबाइल पर देख कर यहाँ चले आए, यहाँ से 90 ऑयल 90 वाटर लेकर गए थे, विश्वास के साथ लगाए, मेरे सारी खत्म हो गई। सारे बोले हालेलुया। देखो ये बहन कहाँ से आई, बहन ऊपी से आई है, और ये बहन बता रही थी कि इसके यूट्रस में रसौलियां गांठे होगी, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। ये बोली हम वहां नहीं गए, हम यूट्यूब देख रहे थे और यूट्यूब देख कर सीधा यहाँ चले आए। नहीं सही कह रहा हूँ, यहाँ चले आए, और यहाँ चले आने के बाद इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और आज बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आई है। चल बोलो बोलो, मजा लग गई आने। अपने हाथों को उठाऊं और अपने पड़ोसी को बोलो तू भी ताजपुर चर्च में आ जा, तेरी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ताजपुर के दिन चर्च लगी दी हुंदी, पापा की दी हरी गल सच्ची अम्मी है। ताजपुर के दिन चर्च लगी दी हुंदी, पापा की दी हरी गल सच्ची अम्मी है। बोलो यीशु मसीह की। सारे बोला हालेलुया। पापा बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई अपनी बेटे की गवाही बता रहे हैं। नहीं सुन, तो छोटी गवाही कभी लेके नहीं आती। बोला बोला, ये भाई बता रहे हैं कि इनके बेटे को 6 महीने से ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, बहुत परेशान थे, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्यूमर गया नहीं। इन्होंने आपसे ले हैंड कराई, स्पेशल बीज बोया और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं 6 महीने का जो ब्रेन ट्यूमर था दुआ बनके उठ चुका। हाय मजा लगी गई आने, हाय मजा लगी गई आने, हाय मजा लगी गई। यीशु मसीह की। कितने लोगों ने सुना कि ये ट्यूमर जाता नहीं है, लेकिन सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, गिफ्ट है कि जब बीमारों पर हाथ रखते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे शाबाश बताएंगे। हाँ सारे भैन भाइयों ने जैम सी दी, पापा ने भी जैम सी दी। मैं बहुत 6 महीने तो परेशान सी, मेरा इको बेटा इनू ब्रेन ट्यूमर हो गया ही 48 mm का, तो डॉक्टर कहें ये निकलना नहीं, ये बहुत औखा वा। डॉक्टर ने अद्धा ऑपरेशन करके चंडीगढ़ छड़ता सीगा, और मेरा बेटा बहुत तंग हो गया सी, इहदे सिर च पानी भर गया सी। फिर मैं चंडीगढ़ गया और मैं कमल भाजी नू ड्रैस दिता इन्होंने मैनू कि तू उत्थों जाके अनॉइंटिंग ऑयल ला के तो अपने बेटे दे ला, तो कोई नहीं पापा को मैं प्रेयर भी करवाना तेरे वास्ते। और मैं इत्थे क्वायर टीम च सेवा करदा, एक्टोपैड तो जाना मैं, तो मैनू बहुत खुशी आ कि मैं इत्थे सेवा करदा और मेरे बेटे का ट्यूमर तेल लाना धुआं बन के उड़ चुका। तो और पापा ने भी दुआ की और बिल्कुल मेरे बेटे की नॉर्मल रिपोर्ट आई है। डॉक्टर कहते ही 3 महीनों बाद ये फिर हो जाना, हूँ मैं 3 महीनों बाद फिर गया तो उत्थे PGI मैं कल रिपोर्ट लेके आया और मेरे बेटे की बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ। थैंक यू जीसस, बोला हालेलुया। सच में परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। ये बता रहा है ये भाई के बच्चे को, एक ही बच्चा है इसके पास, ट्यूमर हो गया, प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने विश्वास के साथ ऑयल लगाया और प्रार्थना कराई। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ले हैंड प्रे करा रहे हैं परमेश्वर आजाद कर रहा है, जो लोग ऑयल लगा रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं चर्च में,
बैठ कर मांग रहे हैं परमेश्वर से। विश्वास करो मैं कह रहा हूं, जब आप यहाँ पैर रख कर जाते हैं आपका 90% आपका बोझ हल्का हो जाता है यीशु मसीह के नाम में, आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को वो अनुभव जो है उस समय नहीं होता जब वो चर्च में आते हैं। अनुभव कह रहा है कि जब आप टैबलेट खाते हैं डिस्प्रिन की तो उस समय सिर का दर्द उस समय नहीं जाता, 5 मिनट लगते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आप विजिट कर रहे हैं अभी नहीं महसूस होगा, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते में आपको महसूस नहीं, परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, चोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ बड़ा ऊंचा है जिना दे बल है जहां बल बड़ा ऊंचा पापा। एक भाई की बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई बता रहे हैं कि इनकी शादी को 9 साल हो चुके थे, इनके पास एक बेटी थी और ये आगे बेबी कंसीव करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जब ये चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया और प्रोफेसी को रिसीव किया, 9 साल के बाद ये बहन बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, ये सुनाम विच जित हुण मेरी है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आए आप? लुधियाने से। लुधियाने वालों पे ज्यादा मेहरबान हो रहा परमेश्वर आजकल, मुझे लगता है लुधियाने में भी चर्च खोलना ही पड़ेगा। बोल हालेलुया। सारे बोल हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, खोल दे ब्रांच लुधियाने में, हाथ उठा के बताओ जो खुश हो तो। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। बताओ बताओ बाबा जी। जय मसीह दी। सारे ने जय मसीह दी। मैं 8 महीने तो बाबा जी चर्च च आ रहा है, मेरी छोटी जी लड़की है ठीक है। फिर प्रभु नहीं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट कब से नहीं हो पा रही थी? एक बच्ची के बाद प्रेग्नेंट तो बाबा जी ठीक है, वही 2-3 महीने आ तो ठीक। आप सुनो माइक दो इसको। बेटे, एक बेटी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे आप? 9 साल से। फिर कैसे हुआ चमत्कार? ये वाटर यूज किया और तेल लगाया। वाटर यूज किया और तेल लगाया। हाँ जी। तेल कौन सा? सरसों का? नहीं नहीं, जहाँ से लेके गए थे चर्च से, यहाँ से लेके गए प्रार्थना का तेल लगाया। हाँ, और चमत्कार हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया आपको? बेबी बुआई के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। बोलो मोजा लग गई है। मोजा 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 मोजा